आप सब आशा करते हैं कि सब अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड सुबह से बहुत सारा काम हो चुका है मेरा, जैसे कपड़ा दे दिए है, धुला हो गया था तो क्लीनिंग वगैरह तो दीदी करके गए हैं। एंड ये गोल कद्दू लेके अभी हम बैठे हैं, इसको काटेंगे, इसको बनाएंगे क्योंकि आज है ट्यूसडे तो मंगलवार, तो जय बजरंगबली जी की जय। तो आज इसलिए ये करेला को भुजेंगे एंड सिंपल सा दाल होगा और कुछ भी नहीं है, इसका पोस्त होगा ना, यस लाओ पोस्त जो होता है वो होगा। तो इसको अभी भी हम इसका ऑपरेशन करेंगे, इसका नाड़ी भूरी सब बात निकालेंगे एंड खाना बनाएंगे इसका, तो यही बात है। तो अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, कुछ पार्सल मेरा, लेकिन पता नहीं क्या पार्सल आया, मैंने कुछ ना कुछ मंगाते रहते। स्नेहा इसे अभी ओपन कर रही है, तो देखो स्नेहा क्या आया है। डर्मा का कुछ आया। फिर डर्मा? ओ माय गॉड, फिर से ये सीरम है। ओके। गाइस मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहती हूँ, देखिए मेरे घर में सब कैसे कैसे करके बिस्किट खाते हैं। ठीक है, मैं आपको बैक कैमरा करके एक बार दिखाती हूँ। एक बिस्किट खुला, मतलब दोनों न्यू पैकेट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा खोलने की कोशिश किया, खोला, ये खोला, ये भी खोला, कोई मतलब नहीं होता है यार। तो चलो हम सुबह से क्या कर रहे थे, फ्रिज साफ कर रहे थे और स्नेहा यहाँ पे अपना बचपन का फोटो लगाई और मेरा स्नेहा का यहाँ पे गए थे घूमने, तो वहीं पे फोटोग्राफी से फोटो खींचे तो वो फोटो लगाई। एंड अभी यहाँ पे मेरा खाना बन रहा है, सो यही बात है। सो यहाँ पे मैं करेला को भूज रही हूँ, यहाँ पे कद्दू है, पोस्तो यहाँ पे पॉपी सीड्स पपी यहाँ पे पीस के रख दिया है और बस ये थोड़ा सा ऐसे ढक के रखे नरम, इसे थोड़ा सा नरम होने के लिए रख दिए हैं। तो ये भी एक सब्जी बन रहा है और दाल यहाँ पे दोनों कटोरी में रख दिया है बापी, हाँ दाल भूस नहीं बनाया, तो यही बात है। बाकी सब बन रहा है क्योंकि आज ट्यूसडे है ना। तो आज हो रहा है ये फ्रिज को अभी साफ कर रहे हैं, बहुत गंदा हो गया था, बहुत दिन से सोच रहे कि करेंगे, तो हम वीकली एक बार करके करते तो है, तो अभी वीकली में एक बार साफ होता है सारा फ्रिज को, बहुत अच्छी तरह से साफ किया। चीकू पूरा फ्रिज साफ हो गया है, ये वीक में मैं एक बार करती हूँ एंड फिर इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख दी हूँ, टोटली ऑर्गेनाइज करके रख दिए है फ्रिज को और बस वेजिटेबल्स वगैरह जो है ना यहाँ पे रख दिया, थोड़ा सा यहाँ पे रख दिया क्योंकि यहाँ पे गाइस जाएगा नहीं, हाँ थोड़ा सा जगह है, देखे नहीं था, इसमें डाल देते हैं ट्रे में, तो बस यही बात है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख दिया है फ्रिज को, टोटली साफ हो गया है। आप लोगों को मैं एक डेमो झटपट करके दे देती हूँ जब तक खाना बन रहा है। तो ये देखिए, ये है डर्मा का फेस सीरम, तो मैं इसके बारे में बहुत सुनी एंड फिर गूगल में सर्च की तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत इफेक्टिव है एंड ये ऑल टाइप स्किन के लिए है। तो इसका इस कुछ इस तरह से आता है, तो ये है सीरम एंड आपका कितना भी डार्क स्पॉट रहे, कुछ भी रहे, तो सब कुछ का काम करता है विटामिन ई, विटामिन सी, तो यही बात है। एंड ड्रॉप जो है, ड्रॉपर जो है, ये अलग से कुछ देते हैं इस टाइप से एंड इंस्ट्रक्शन है कि आप किस टाइप से इसे यूज़ करो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा होता है गाइस और आप 10 डेज इसको यूज़ करो तो आपको पता चल जाएगा। तो ये है इसका न्यू, तो इसको तो अभी मुझे नहीं लगेगा लेकिन अभी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, तो ये
इस तरह से इसको खोलने के बाद फिर इसको ड्रॉपर को आप इजीली इसमें लगा सकते हो। देखिए तो ये ड्रॉपर ऐसे ही है, तो आराम से ये सीरम आपके फेस में लगा सकते हो। एंड अब पहले आप देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को कोई इचिंग इचिंग होगा तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा करके देख लेगा, अगर कोई इचिंग होगा तो ऐसा मोस्ट प्रॉब्ली होता नहीं है, ये ऑल टाइप स्किन के लिए है। एंड गाइज इसका अगर प्राइस के बारे में बोले तो ये 899 रुपीस का मुझे मिला है, एंड ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो देख रहे हैं ना देते ही कितना अच्छा स्मूथ लग रहा है। एंड अब इसके बाद आपका फेवरेट कोई मॉइस्चराइजर अब लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, इट्स ओके। तो मैं तो अभी इसके साथ ही रहूंगी अभी, तो मैं फेस को क्लीन करके आई और बस, और मैं फेस क्लीन करती हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं बहुत बार शेयर की हूँ, मैं मम्मा आर्ट का फेस वॉश यूज करती हूँ, आप चाहे तो डर्माकॉल का भी फेस वॉश यूज कर सकते हो। मैं उडबन का फेस वॉश अभी यूज कर रही हूँ, टर्मरिक एक सफरन है एंड एक है, हाँ टर्मरिक सफरन एंड उडबन का भी है एक। तो ये मामा अर्थ का फेस वॉश मैं यूज करती हूँ एंड मामा अर्थ तो बहुत ही अच्छा है इंडिया में और बहुत सक्सेसफुल है, ये सब जानते हैं। तो बस ये था एक छोटा सा डेमो आप लोगों के साथ मैं शेयर की, क्योंकि जब तक मैं खुद, अगर हम लोग यूट्यूबर अगर खुद अपने ऊपर खुद अप्लाई ना करूंगी तो आप लोगों के पास किस तरह से पहुंचाऊंगी, ठीक था, यही बात है। तो चलिए मेरा थोड़ा सा बाकी है खाना बनाने का, तो वो हो जाता है। एंड बाफी लेके आए बहुत सारा मटर चिमी एंड बहुत मीठा है गाइस, बहुत मीठा है। तो सोच रहे हैं ना कि मटर चिमी का कुछ भी खाना बना ले, लेकिन बंगाली में होता है ना मटर मटर छुरी कचौड़ी जिसको बोलते हैं, तो मटर चिमी का जो कचौड़ी होता है ना तो वो एंड आलू का दम एक अलग सा ही टेस्ट है, तो वो नहीं खाया तो फिर लाइफ में क्या किया। तो चलिए बातें कम और जल्दी जल्दी करके मैं अपना खाना को पहले कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि 12 बज गया। ड्रामा का अगर आप ये यूज करोगे तो गाइस ये साइंस बेस्ड इंग्रेडिएंट्स दैट आर वेरी सेफ एंड इफेक्टिव है, एंड पोर्स को ओपन करता है, डार्क सर्कल्स को रिमूव करता है, पिगमेंटेशन को क्लियर करते हैं एंड रिजॉल्व योर स्किन कॉन्सर्न्स एंड गो फिल्टर फ्री विद द स्किन विथ योर ब्राउन विथ, यही है। एंड उसके बाद ये जो है ना इतना अच्छा है कि क्या बोलेंगे, पहले तो अपना वश को अच्छा से आप वश कर लो एंड 4-5 ड्रॉप्स सिर्फ आप ले लो फेस में या फिंगर में, इस तरह से ले लो, रेगुलर वश करना है, सनस्क्रीन तो बिल्कुल लगाना है। एंड गाइज मतलब आपका स्किन धीरे 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 टाइट होगा, ग्लो होगा, बहुत इफेक्ट होगा, डार्क स्पॉट आपका रिमूव होगा। सो दैट्स इट, यूज करके देखना श्योरली। मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। छोटा बाब मच को कहाँ पे बंद करके रखा है, कहाँ पे बंद करके रखा है। एंड अभी वॉश हो रहा है वॉशिंग मशीन में कपड़ा। कश्मीर की तू कन्याकुमारी नॉर्थ साउथ की कट गई देखो दूरी है सारी कश्मीर की। गाइस मेरा खाना वाला हो गया, अरे वो कोई भी गाना लगाएंगे ना तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। इसलिए खुद ही गा रहे हैं, खुद ही गा रहे हैं, खुद ही कर रहा है। कुछ तो होना चाहिए ना लाइफ में, एक्टिविटीज को छोड़ना चाहिए, मस्ती होना चाहिए, वही बात है। तो हाँ तो यहाँ पे है ब्लाउज कुछ, तो ये मेरा होके रेडी हो गया, पूरा कुछ को दे दिए है, तो बस फटाफट हो गया एंड उधर राइट बैठ गया, वही बात है, खाना बहुत जल्दी ही हो गया। कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं क्यों, कुछ नहीं बोलना चाहते। ए मेरा उंगली आ गया। आओ आओ बोला कुछ, पूरा पानी जैसे इस तरह लगा दीजिए। अरे पूरा एकदम गल गया है ना इसमें, हम अभी तक नमक उमक कुछ नहीं दिया है। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा ना उसके बाद नमक। एक काम करोगी, थोड़ा बड़ी बड़ी भूज के उसमें डाल दूंगी। अरे नहीं कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया, किस्मत से जो भी खाना मिल रहा है सोचिए कि बहुत मिल रहा है। मेरा इशारा तो समझ गए होगे क्या बोलना चाह रहे हैं एकदम ना, इसीलिए गुड बॉय होके रहिए और लॉकडाउन का मजा उठाइए।
एकदम। आज कहीं निकलिएगा? चलिए पारे दुकान का चाय पी के आते, क्या करेंगे? लाइट एक ही बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। चलो लाइट एक ही बार मिला है, ये मत सोचो सात जन्म का कुछ सब कुछ पूरा होगा। सात जन्म बोल के कुछ नहीं होता, यही जन्म में सब कुछ है। ऐसे ही बोलो इसको ले जाना। कल भी गए थे घूमने के लिए, बहुत दूर तक गए थे, बहुत अच्छा लगा। अरे मुझे नाइट का जर्नी बहुत अच्छा लगता है, रोज आजकल क्या करते लॉन्ग ड्राइव जाते हैं थोड़ा नाइट में, अच्छा लगता है। ओके तो मेरा ये जो कद्दू पोस्ता है, मतलब जो बंगाली में बोलते लाऊ पोस्तो, तो हो गया रेडी। एंड सारा खाना मेरा हो गया रेडी। और क्या, आज सिंपल सा लंच है गाइस, लेकिन ऐसा सिंपल लंच ना कभी कभी सही में बहुत अच्छा लगता है, एंड हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है। एंड पोस्तो किसको नहीं पसंद है बताइए, पोस्तो तो पोस्तो ही है, पोस्तो हो जाने के बाद और कुछ क्या चाहिए। बापू का आलू पसंद नहीं है, इसलिए हम आलू का भुजिया या तो आलू का चोखा ये सब कुछ भी नहीं किए। सही बात है। अब लोग गाइस फॉलो कर रहे हैं मेरा ब्लॉग में ना, कुछ दिन से आलू का कोई रेसिपी नहीं आ रहा है, आलू का रेसिपी मैंने कोई भी सब्जी में आलू देते तो नहीं आ रहा है। सही बात है, आलू नहीं खाएंगे, बापी का कहना है आलू नहीं खाएंगे, तो सब्जी खाना है जितना खाओ, तुमको चिकन खाना है, मटन खाना है, मछली खाना है। मटन मतलब क्या, रेगुलर बेसिक्स में नहीं, दो हफ्ते में एक बार, वीकली एक बार, मतलब ऐसे। लेकिन तुमको हम आलू उसको पसंद है। चलेगा चलेगा बापी, अभी तेल भर रहा है, तेल भर रहा है, और जल्दी से मैं थोड़ा सा गैस साफ कर लेती हूँ। लेकिन दीदी आके करता है ये बात नहीं है, लेकिन ना ये जो है एक चीज है बापी के अंदर, मैं ये आज मैं अप्रिशिएट करती हूँ, बात बोलना चाहती हूँ, कभी नहीं बोले। बाकी जब भी खाना बनाता है, मतलब गाइस एक लड़का मतलब इतना अच्छे से प्रॉपर होकर खाना बनाता है, मतलब कहीं पे भी ना तेल छिटकता है ना कुछ, तो वो मुझसे नहीं होता है, तो मेरा तो पूरा इधर उधर से छिट जाता है। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ ना, मुझे ना गंदगी पसंद नहीं है, तो उसके बाद मैं इसको साफ साफ करके रख देती हूँ। एंड ये मैं अपना मदर इन लॉ से ही सीखी हूँ कि मतलब, और बापी से सीखी हूँ कि मतलब एकदम जब भी करो ना तो एकदम साफ से करो तो अच्छा लगेगा। तो मतलब ये नहीं है कि आप नेम रखते हो तो बस उसके उसी से मतलब ज्यादा से ज्यादा अपना क्लीनिंग जो जब आए थे ओनली तीन कप चाय बनाना जानते थे, चार कप चाय बनाना जानते, कहीं सही में आप कुछ नहीं जानते थे, और आज तुम सब चीज जानती हो। ए टू जेड मतलब हर बहुत कुछ देश का खाना भी जानते हैं, इटालियन फूड जानते हैं, चाइनीज फूड जानते हैं, इंडिया तो करते ही है। तो ये क्रेडिट मतलब ये क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को, मैं उसी से सीखी। नहीं। ये आप लोग समझ सकते, मैं उसी से सीखी। हाँ अभी उसका काम है वगैरह है, ऑब्वियसली बीवी के पीछे तो 24 घंटा नहीं रह सकता है। तो मतलब जब वो मतलब बहुत पेशेंसली वो मुझे ना ये सब सिखाए, वो सिखाए एंड हस्बैंड तो सिखाए एंड मदर इन लॉ भी सिखाए, एंड मुझे बहुत इंटरेस्ट भी है नया नया तरीका का खाना। मैं बहुत बार यूट्यूब में शेयर की, आज कुछ शेयर नहीं कर रही, बस मैं आपको बोल रही हूँ, बता रही हूँ ऐसा ऐसा बात है, लेकिन मैं बहुत कुछ शेयर की हूँ, यही बात है। बस आज मैं जो भी हूँ इनली हस्बैंड की वजह से, हस्बैंड की वजह से, और अभी हस्बैंड की वजह से अभी हमको बना के खिलाना पड़ता है हस्बैंड को, एंड इस तरह से करके। तो मेरा जो भी हो लाओ पोस्तो रेडी हो चुका है, दाल हो गया है, यहाँ पे कद्दू का जो भाजी होता है ना तो वो कर दिए, एंड करेले का भाजी हो गया, वह राइस अभी हो रहा है चढ़ाए, लेकिन गर्म गर्म राइस खाएंगे, यही बात है। एंड बापी दाल किए है ये दोनों कटोरी में, रात का और अभी का, तो यही बात है। तो चलो हो गया मेरा आज लंच, तब लोगों के साथ शेयर कर दिया, और राइस क्या दिखाएंगे, बैठा दिया है, राइस जब होगा तो होगा, वो देखो राइस हो रहा है ना, बस। तो यही है आज का लंच, और स्नेहा गई है शावर लेने, उसके बाद हम भी शावर लेंगे, थोड़ा सा सोच रहे शैम्पू कर ही लेते हैं, टोकना नहीं आज मत नहाओ ठंडा लगेगा, ये ठंडा है लेकिन फिर भी नहाना जरूरी है। चलो उसके बाद मिलते हैं, सब दवाई उतार रहे थे। ए चिकू मेरे को बहुत बदमाश है, मेरा सब कुछ रसा
छत पे, छत तो नहीं ये गुफा है, गुफा, क्योंकि ऊपर पहले तो ये छत था, अभी तीन तल्ला में छत बनेगा तो थोड़ा संभाल के जाना पड़ रहा है। देखिए पूरा बांस वूस लगा हुआ है, तो यहाँ पे जहाँ पे रहता है ना तो ऊपर में फिर से फ्लैट वुड बन रहा होगा, तो जो भी हो घर बन रहा है। तो मैं अभी जा रही हूँ थोड़ा सा धूप लेने के लिए, क्योंकि अंदर बहुत ठंडा लग रहा था इसलिए आ गई हूँ। एंड थोड़ा सा कपड़ा मैं सूखने के लिए यहाँ पे दे दी हूँ, तो देखते हैं क्या क्या सूखे हैं। कुछ कुछ जो भी सूखे हैं तो ले जाएंगे, यही बात है। तो इधर में देखिए गाइस, अभी ऐसा हालत है हम लोग का, इसी के ऊपर सुखाना पड़ रहा है इस तरह से। तो काफ़ी दिन के बाद धूप भी उठा है, तो जो भी सुखा है झटपट करके ले लेते हैं। अरे हम बकेट लेके नहीं आए, ऐसे ही आ गए लेने के लिए। खैर कोई बात नहीं है, बाद में तो आना ही पड़ेगा, सब तो थोड़ा ही सुखा होगा, ले लेते हैं जितना सुखा है। तो आप सब देख पा रहे हैं ना, सारा कपड़ा सूख गया है, सिर्फ दो जो है, एक मेरा येलो कलर का टॉप है, स्नेहा का एक फ्रॉक है, तो वो दो सूखा नहीं, तो उसको फिर मैं पलट दी हूँ, तो बस हो गया। मैं क्यों आई हूँ लेने के लिए पता है, स्नेहा को अगर बोले मम्मी थोड़ा देर के बाद जाता, 3 बजे 4 बजे उठा लेती, नहीं अभी लेना है, क्यों ना, स्नेहा का 5 बजे से ट्यूशन है, और अगर हम अगर उसको दे देंगे तो गाइस मेरा बहुत सारा ना काम मेरा करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्नेहा पूजा भी दे देगी और उसके बाद ये सब सरिया के रख देगी। तो इसीलिए मैं आई हूँ, तो ये जस्ट मैं आपके साथ शेयर की, जब ये ब्लॉग बाद में देखेगी ना वो तो बहुत हंसेगी, आपका बुद्धि हम समझ गए। तो फिर गुफा में घुसते घुसते चलो जाएंगे, एंड काफ़ी देर तक खड़े थे तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर छाव में जा रहे हैं गुफा के साथ, गुफा के अंदर अंदर। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, सही में यहाँ पे कोई आत्मा आत्मा ना हमको पकड़ ले, सही में हम यहाँ पे देखें हम अकेले ही है, कोई नहीं है, ना कोई मिस्त्री है, ना भी कोई फ्लैट का कोई भाभी लोग है, कोई फ्रेंड्स कोई नहीं है, लेकिन हम अकेले हैं, फिर भी कितना साहस से हम गाना गाते गाते जा रहे हैं। गुमनाम है कोई, यहाँ पे यही गाना मुझे ना दिमाग में आता है, हर सिचुएशन में ना मुझे गाना ऐसे आ जाता है, कोई ना कोई सिचुएशन में ऐसे ही आ जाता है। चले घर घर में जाते हैं, बहुत सारा कपड़ा हो गया, चलो घर। गाइस गुड इवनिंग टू ऑल, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही सब मिलके, फ्लैट में जितना है सब मिलके हम लोग जा रहे हैं, फुचका पार्टी होगा, तो इसीलिए फुचका खाने के लिए, मतलब गोल गप्पा खाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का फ्लैट में है ना पानी नहीं है, पानी खत्म हो गया है, पानी खत्म हो गया, ये मत सोचिए कि फुचका वाला से गोल गप्पा से पानी लेने के लिए जा रहा है, ऐसा बात नहीं है, जा रहे हैं। अभी काम हो रहा है, प्लम्बर आया है, जस्ट काम हो रहा है, तो हम लोग भी सोचे कि जब तक काम हो रहा है कि चलो थोड़ा सा एंजॉय करके आ जाते हैं हम लोग भी, तो जितना सूट कर पाएंगे कर पाएंगे, नहीं तो अभी जा रहे हैं। ठीक है रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट ये है, मॉल है। आज होगा आपका जंप का एकदम, आप अपने प्रेस्टीज को पूरा हाथ से ले लीजिए, आज कुछ का चैलेंज होगा लेकिन, ठीक है। कंपटीशन करते हैं, आलू डालते रहिए, आलू डालते रहिए, घुगनी डालते रहिए, प्याज डालते रहिए। बच्चा पट्टी चल रहा है, फुचका बच्चा पट्टी, उसके बाद मेरे हाथों में ये कटोरी खड़ा है, बाद में खाएंगे हम। कटोरी लेकर आपके सामने कब से खड़े हैं देखिए। ओ भैया कैसे आप, कैसे आइए
अरे भाई है ना, लीजिए। कोई भी कितना भी बड़ा आदमी रहे लेकिन कटोरी लेके बोल बात, हाँ गुच्छू वाला के सामने कटोरी लेके खड़ा होना पड़ेगा। अभी बन रहा है दही पूरी, मेरा और स्नेहा का प्लेट दही पूरी खाएंगे। अभी ठंडा में हाथ जम गया। ठंडा लग रहा है ना हाथ, ठंडा से हाथ जम गया रे। इसमें दो बात नहीं, दो मिनट छोटा होते जा रहा है, इतना छोटा होते जा रहा है। हम लोग क्या होगा, ये तो मके कच्चा ही खा जाएंगे। ये साड़ी कितना सुंदर है, देख लीजिए ले लीजिए, है ना साड़ी कितना सुंदर सुंदर है। देखो हैंडल का है, हैंडल की साड़ी है। हम लोग पहनते अपना फेस्टिवल है ना, हम लोग कहाँ कहाँ घूमते घूमते घूम रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर है, कितना सुंदर लग रहा है। सब कितना लगे मम्मी देखो, घुंगरू वो बोलो घुंगरू की तरह बजता है ना, तो पूरा मोहल्ला जान गया कि हाँ बाहर गए। हम लोग कहाँ कहाँ आज घूम रहे हैं, वाह सब कुछ लेकिन बहुत यूनिक यूनिक है। क्या अरे ब्लाउज कितना सुंदर सुंदर है, इधर देखिए ब्लाउज, ब्लाउज से टेंसर साड़ी, ब्लाउज के साथ साथ यहाँ पे कितना अच्छा ज्वेलरी भी है, बैग्स वगैरह कितना सुंदर सुंदर है, मतलब सब चीज़ मिल रहा है यहाँ पे, ग्रोसरी से लेके साड़ी कपड़ा से लेके। ओके तो मतलब हर चीज़, एंड ये मिरर भी बहुत खूबसूरत है, एंड ये मैं हूँ मिरर में। काफ़ी सुंदर, नहीं जहाँ जहाँ मतलब आवाज आएगा वही वही सैंडल का फेस। ओके सबसे सस्ता सुविधा वाला चीज मिल गया इसका, यही ले लो। अरे ये छोटा आलू का दम बना लो, छोटा आलू का दम, सॉरी छोटा आलू का दम बना ले। तुम लोगों को निकाल देगा, तुम लोगों को निकाल देगा यहाँ से, सही में तुम लोगों को निकाल देगा, लेकिन कोई नहीं रखेगा तुमको यहाँ। अभी तो ज्योति अभी तो आलू लेके ही जा रहे हैं, आलू बिना इसका जीवन भी था। इन लोग यहाँ पे पूरा खेलने का मैदान बना लिया है देखो।
देखो कितना बदमाशी कर रहा है यहाँ पे। लेकिन वो लोग इनकरेज कर रहे हैं कि मतलब ये बच्चा है, खेल ले तो खेल ले तो खेल ले तो, अच्छा लग रहा है, हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है। तो मतलब ये है कि हम लोग का फ्रेंड्स का ही एक दुकान है, तो शॉप है, तो आए हैं, तो इसलिए इतना मस्ती कर पा रहे हैं। दूसरे का होता तो नहीं कर पाते। गुड शॉट। सो गाइस, घर में आ गए एंड घर में आके बहुत दुख हुआ। हस्बैंड बर्तन धो रहा है और हम बनाएंगे चाय। और हम बोले कि बर्तन मत धोइए, मत धोइए, छोड़ दीजिए, ठंडा लग जाएगा। नहीं, बाकी का हम धो लेंगे। तो यही बात है। तो चलिए फटाफट और क्या करेंगे। तो दीदी आई नहीं है, तो बस रोटी वोटी बना लेंगे और देन अभी पहले सबसे पहले चाय पीते हैं। तो चाय पीने के बाद अब सब मिलते हैं। चाय बनाना हम शेयर नहीं कर रहे लेकिन चाय पी रहे हैं, ठीक है। चाय बना के पी लेते हैं। बहुत सारा काम है क्योंकि मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं है, तो मैं थोड़ा सा मोबाइल में चार्ज लगा देते हैं। उसके बाद ब्लॉग को एंड करने के पहले, गुड नाइट बोलने से पहले एक बार तो आएंगे, तब तक चार्ज होना चाहिए। तो अभी स्नेहा आई और अभी यहाँ पे मैदा को सान रही है स्नेहा। बैठे बैठे क्या देख रही है तुम? इट। क्या? इट एक मूवी है। मूवी? भूत का मूवी। ओ, तुम कान पे लगाए हो ना, इसलिए। ओ, ताई हम सोच रहे कि मोबाइल में क्यों आवाज़ नहीं आना, आवाज़ नहीं है। तो यहाँ पे ये हो रहा है एंड जाते हैं किचन में। तो बापी यहाँ पे मटर छिमी छिल रहे हैं और हम बाकी का बर्तन सब धो लिए हैं। आलू का दम होगा तो इसलिए आलू को सिजाने के लिए दे दिए है। और अभी बापी मटर छिमी छिल रहे हैं, आलू का दम में पड़ेगा, है ना बापी? एकदम सही बात, एकदम सही बात। अभी हो रहा है पराठा इधर में, जो स्नेहा बनाती है, छान दी है, सॉरी बनाती है, छान दी है। और यहाँ पे हम बना रहे हैं पराठा और बापी उधर बना रहे हैं आलू का दम मटर छिमी दे के। तो गरम गरम खाना खाएंगे। तो यहाँ पे सब हम लोग परिवार में इकट्ठा होके सब काम करते हैं, तो यही मजा भी है लॉकडाउन का। क्या अभी एकदम मजा है, सही में मजा लगता है। मतलब डांस भी कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, एक साथ मिलकर खाना भी बना रहे हैं और बाकी उधर बना रहे हैं आलू का दम और हम यहाँ पे बना रहे हैं पराठा एंड अभी पिए चाय और घूम घाम के आए। कुछ का पति हुआ, बहुत इंजॉय किया आज। क्या स्नेहा, कैसा मजा लगा स्नेहा? बहुत अच्छा स्नेहा, जोर से बोलो क्योंकि कैमरा के पीछे है स्नेहा, स्नेहा रिकॉर्डिंग कर रहा है। सो गाइस, फाइनली मेरा खाना बनाना कंप्लीट हो गया है और उधर है आलू का दम जो बन के रेडी है, ये है पराठा सब हो गया है एंड थोड़ा देर के बाद खाना खाएंगे। तो एक बार दिखा देते हैं बैक कैमरा करके। तो ये है आलू का दम एकदम वेज वाला, तो ये बापी ने बनाया एंड इधर है पराठा। तो थोड़ा गर्म है, गर्म ना, हाँ, धुआं उठ रहा है। देखिए पराठा होके रेडी, तो बस हो गया, तो हो गया है। और अभी करेंगे हम लोग क्या, डिनर। तो डिनर करेंगे। तो चलिए, ये ब्लॉग, पूरा ब्लॉग अगर आज अच्छा लगा, जो भी करते हैं आप लोगों के साथ डेली का ब्लॉग में आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं गाइस, तो यही बात है। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, अपना फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सअप हो, जहाँ पर भी हो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल एंड लव यू टू ऑल।